नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा लक्ष्मी नारायण गार्डन से। आज मैं अपने पीपल के प्लांट के पास आई हूँ, जो मैंने बोनसाई का शेप दिया है और बड़ी ही खूबसूरती से हमारा बोनसाई प्लांट बन रहा है। तो पिछले सीजन में मैंने इसको लगाया था, एक साल हो रहा लगभग, और एक साल में हमारा ये प्लांट कितना खूबसूरत, इसकी जो रूट्स हैं बिल्कुल ऊपर आ गई हैं। बहुत थोड़ी सी रूट्स मैंने अंदर डाल दी थी, जिससे हमारी जो ऊपर की जो रूट्स हैं वो मोटी होती जाए, और थोड़ी सी जो पतली पतली सी रूट्स होती हैं वो नीचे रहती हैं, और थोड़ी सी मिट्टी में लगाया जाता है। देखिए, छिछला पॉट है हमारा, छोटा चार अंगुल का पॉट है चौड़ा ऊंचाई में, बाकी ये हमारा इसकी लंबाई बहुत है, बड़ा है। तो इस तरीके से मैंने इसको छोटा सा ही हमारा पौधा उगाया था एक गमले में, उस गमले से मैंने निकाल के इसमें लगा दिया था। और इसको फिर मैंने, जब बोनसाई कोई भी पौधा बनाए तो छिछले पॉट में, ट्रे टाइप के पॉट में बनाया जाता है, जिससे इसकी रूट्स ऊपर तक दिखें। और अगर जो गहरे पॉट में हम बर्तन में गहरे जो गमले होते हैं उनमें बनाएंगे तो रूट्स अंदर चली जाती है, ऊपर से दिखाई नहीं देता है। तो बोनसाई का सबसे खूबसूरत जब पौधा बनता है, जब छिछले पॉट में बनाए, ट्रे में बनाए, तो मेरे पास ट्रे नहीं थी, मेरे पास तसला पड़ा हुआ था, इसमें मैंने बनाया और लगा दिया था। छोटा सा पौधा था, कटिंग करते 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 आपको दिख रहा होगा, जगह जगह पर मैंने कटिंग की है, और सबसे शुरू में मैंने डीप कटिंग कर दी थी। उसके बाद जो ब्रांच निकली, जहाँ से कटिंग की थी उस साइड से ब्रांच निकली, तो फिर लगातार मैं, ये देखो नई ब्रांच निकली है, देखिए आपको दिख रही होगी, नई नई ब्रांचेज जब निकली हैं तो फिर से उनको कटिंग करें। फिर बार बार कटिंग करने से हमारा जो रूट्स नीचे की मोटी होती चली जाती हैं, ऊपर का पौधा छोटा रहता है हाइट में। तो आप देखें कितना छोटा सा है प्लांट हमारा, हरा भरा। और अभी ये हमारी फरवरी में पौधे जो है हरे होने लगते हैं, और पीपल के प्लांट में पत्तियां फाल हो जाती हैं सारी, और सभी के प्लांट में पत्तियां फाल हो जाती हैं जो हमारे गर्मी के सीजन के प्लांट होते हैं। उसके बाद में पतझड़ के बाद फिर से आ जाते हैं इसमें पत्तियां, हरी हरी नई नई सी पत्तियां, सारी पत्तियां आ गई हैं। और सारी पत्तियां आने के बाद में बड़ा घना सा हमारा पौधा है, आपको देखें चारों तरफ से मैं दिखा रही हूँ, बहुत घना सा और हाइट में छोटा सा है। और इसकी जो नई नई स्टेम निकली है, इसको मैं लगातार जब थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा तो मैं काट दूंगी। जब काट दूंगी तो नीचे जब कट कर देते हैं तो ब्रांच और निकालता है, तो बहुत सारी ब्रांच हो जाती हैं। लेकिन जो हमारी तीन चार पांच जो है ब्रांच वो रखेंगे, बाकी जो पतली पतली ब्रांच निकलती हैं वो काट देनी चाहिए। जब हम पतली ब्रांच काट देंगे तब चार पांच ब्रांच रहेंगी, उन्हीं से हमारा पौधा ऊंचा होता चला जाएगा, और ऊंचा होगा तो फिर जब काटेंगे तो उसके बाद में हमारी ये सब मोटी मोटी सी रूट्स होती चली जाएंगी, तो हमारा पौधा छोटा सा छोटा रहेगा और बहुत घना हो जाएगा। जब हम कट करते हैं, एक जैसे हमने इसको कट किया था तो एक से दो ब्रांच निकली, ये यहाँ से मैंने कट कर दिया था, एक कहाँ से ब्रांच निकली और एक नीचे से ब्रांच निकली, इस तरीके से यहाँ से जब मैंने कट किया था तो दो ब्रांच यहाँ से निकली, और जितनी भी ब्रांच हम देखिए यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया था, आपको दिखेगा, और तो तीन चार ब्रांच निकली, कम से कम तीन ब्रांचें निकली। इस तरीके से तो हमारा पौधा घना होता चला जाता है, और हम ऊपर काटते रहते तो बहुत ही घना हमारा पौधा हो जाता है। छोटा, कितनी छोटी हाइट में, मुश्किल से आधा दो एक हाथ की हाइट होगी इसकी, और एक फिट की हाइट भी नहीं है इसकी, और बहुत ही घना हमारा चारों तरफ से पौधा दिखे। मैं आपको घुमा के दिखाती हूँ, बड़ा खूबसूरत सा हरा भरा, ज़्यादा से ब्रांच निकाल दिए हैं, बहुत सारी ब्रांच निकली इसमें, एक ये देखिए मैंने कट किया था, और एक दो तीन ब्रांच एक जगह से निकली। यही जब ब्रांच ऊपर होती चली जाएंगी तब हम हमारा पौधा घना होता चला जाएगा। बहुत ही खूबसूरत हमारा बोनसाई का शेप ले रहा है, और दो तीन साल में हमारा पौधा इतना मैच्योर हो जाएगा, तो इसकी जो रूट्स हैं नीचे की बहुत मोटी मोटी सी, आप जब ज़मीन में कोई भी प्लांट लगा देखते हैं तो उसकी रूट्स बिल्कुल मोटी होती हैं ऊपर को, और इस तरीके से हमारी ये पीपल के प्लांट की रूट्स मोटी मोटी सी हो गई, और जो पतली पत्ती एक दूसरे पे चढ़ी हुई रूट्स होती बड़ी खूबसूरत लगती हैं, और इस तरीके से, और इसमें ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं होती, मैंने इसमें बजरी डाल दी थी इसे खूबसूरत लगे, बजरी थोड़ी सी और डाल देंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और हल्की सी रूट्स अंदर दबी हैं, थोड़ा सा पानी देना पड़ता, ज़्यादा पानी भी नहीं, तो इधर उधर किनारे किनारे से शक्ल निकलती है वो हमें निकाल देती हूँ, और बहुत अच्छी सी रूट्स की वजह से जो ऊपर से रूट्स दिखती हैं वही पौधा हमारा बोनसाई की शेप की तरह लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है।
और इसमें ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती, केवल थोड़ा सा पानी देते रहें और जब कभी एक और अपने और पौधे में खाद दें तो इसमें दो चार दाने डीएपी या कैल्शियम या कुछ भी डाल दें और ज़्यादा बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती। पत्तियाँ इसमें हरी भरी इतनी बढ़िया इतनी खूबसूरत पत्तियाँ होती हैं और इसको धूप में रखें, परमानेंट धूप का प्लांट है, परमानेंट धूप में रहता है प्लांट। पीपल के प्लांट तो ज़मीन के प्लांट होते हैं लेकिन जब हम अपने गमले में लगाते हैं तो गमले में उस तरीके से बोनसाई के शेप में जब लगाते हैं तो छोटे के छोटे रहते हैं, बड़े खूबसूरत से पौधे लगते हैं। बोनसाई के बहुत सारे पौधे बनते हैं। बोनसाई के पौधे के लिए कोई भी पौधा आप नहीं चूज कर सकती हैं। बोनसाई के पौधे कुछ ऐसे होते हैं जो जैसे मनोकामनी का प्लांट है बोनसाई बना सकते हैं, गुलाब का प्लांट है बोनसाई बना सकते हैं और गुड़हल का प्लांट है, इन सब चीज़ों के प्लांट की बोनसाई बन सकते हैं। अदेनियम का है, अदेनियम हमारा बहुत खूबसूरत बोनसाई का शेप बना है, बहुत ही खूबसूरत खिला मैं आपको दिखा रही हूँ अभी। इसमें पूरा फुल खिल चुका है, बोनसाई के का शेप है, अदेनियम का इसकी ये स्टेम है, इसी से ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। मोटी मोटी सी इसमें ब्रांच है और बहुत ही छोटा सा पौधा है और काट काट के मैंने इसको इतना घना बनाया है, पूरा फ्लावरिंग कर चुका है, 100% फ्लावरिंग हुई है, पत्तियाँ बहुत कम दिख रही हैं, बस पूरा खिला हुआ अदेनियम का प्लांट है। ये बोनसाई बहुत ही खूबसूरत बन जाता है और रोज़ का प्लांट बोनसाई बन जाता है, जैसे इतनी मोटी इसकी स्टेम है और छोटा सा छोटा पौधा है, बड़े खूबसूरत से प्लांट लगते हैं जब हम बोनसाई का शेप देते हैं और गुच्छों से फ्लावर आते हैं हमारे रोज़ प्लांट में। हमारे अदेनियम पूरा खिला हुआ है, बहुत ही खूबसूरत पौधा है हमारे अदेनियम का। तो देखिए कितना छोटा सा हमारा हरा भरा पीपल का प्लांट है, इसको मैंने बोनसाई का शेप दिया है और आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर जो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक को शेयर करें और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि आपको हमारा पीपल का प्लांट बोनसाई के जो शेप मैंने दिया है कैसा लगा। और इस तरीके से आप भी अपने पौधों को बोनसाई का शेप दे सकती हैं। थैंक यू, नमस्कार, मैं अपना वीडियो बंद करती हूँ। नमस्कार, थैंक यू।